तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक के स्टॉक के बारे में। इंडियन बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद से अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 5.23% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर अभी स्टॉक में 395 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 378, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर 378 के लेवल को ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट, एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास स्टॉक में जो ट्रेंड है वो है हायर हाई वाला ट्रेंड है। लेकिन अगर स्टॉक ने अपने इस लो को ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक लोअर लो वाला ट्रेंड यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो अगर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में 361 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 344 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 416 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 438, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 462, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 485, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 500 एंड देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में 525 और 550 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।